हिंदू मान्यताओं के अनुसार दुर्गा पूजा के लिए माँ दुर्गा की जो मूर्ति बनती है उसके लिए चार चीजें बहुत जरूरी होती है। पहली गंगा तट की मिट्टी, दूसरा गौमूत्र, तीसरा गोबर और चौथा वैशालय की मिट्टी या किसी ऐसे स्थान की मिट्टी जहाँ जाना निषेध हो। इन सभी को मिलाकर बनाई गई मूर्ति ही पूर्ण मानी जाती है। ये रिवाज दशकों से चला आ रहा है, लेकिन क्यों? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये पुण्य माटी एकत्र की जाती है और क्यों। ऐसी मान्यता है कि मंदिर का पुजारी वैशालय के बाहर जाकर वैश्याओं से अपने आंगन की मिट्टी मांगता है। जब तक वो मिट्टी उसे मिल नहीं जाती, वो वापस नहीं लौटता। अगर वैश्या मिट्टी देने से मना भी कर देती है तो भी वो उनसे मांगता रहता है। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, वैसे वैसे पुजारियों के अलावा मूर्ति बनाने वाले कलाकार भी वैशालय से मिट्टी लेकर आते हैं। जितना इस विषय पर चर्चा हुई है उसके आधार पर इस मान्यता के पीछे चार कारण समझ आते हैं। पहली मान्यता ये कहती है कि जब कोई व्यक्ति वैशालय में जाता है तो वो अपनी पवित्रता द्वार पर ही छोड़ जाता है। भीतर प्रवेश करने से पूर्व उसके अच्छे कर्म और शुद्धियां बाहर रह जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वैशालय की आंगन की मिट्टी सबसे पवित्र हुई, इसलिए उसका प्रयोग दुर्गा मूर्ति के लिए किया जाता है। दूसरी मान्यता, दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार महिषासुर ने देवी दुर्गा के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया था। उसने उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाई थी। उसके अभद्र व्यवहार के कारण ही माँ दुर्गा को क्रोध आया और अंततः उन्होंने उसका वध कर दिया। इस कारण से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियाँ, जिन्हें समाज में सबसे निकृष्ट दर्जा दिया गया है कि घर की मिट्टी को पवित्र माना जाता है और उसका उपयोग मूर्ति के लिए किया जाता है। तीसरी मान्यता के अनुसार वैश्याओं ने अपने लिए जो जिंदगी चुनी है वो उनका सबसे बड़ा अपराध है। वैश्याओं को इन बुरे कर्मों से मुक्ति दिलवाने के लिए उनके घर की मिट्टी का उपयोग होता है। मंत्र जाप के जरिए उनके कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है। चौथी मान्यता के अनुसार वैश्याओं को सामाजिक रूप से काट दिया जाता है, लेकिन इस त्योहार के सबसे मुख्य काम में उनकी ये बड़ी भूमिका उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने का एक जरिया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।